हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं दोस्तों आप लोगों को क्रूड ऑयल की चार्ट बेसिस पे एनालिसिस करके दिखाएंगे कि क्रूड अगले किस रेंज में रहने वाला है, अगले 1 से 2 महीने का क्या रेंज होगा और किस तरीके से बिहेव करेगा। चार्ट पे हम स्टडी करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर होगा मेरा कि इस वीडियो में दिए गए किसी भी लेवल को या किसी भी कमोडिटी को बाई या सेल करने के लिए हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओनली ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से डेवलप कर रहे हैं। आगे हम RSI, MACD और चार्ट पैटर्न के बेसिस पे स्टडी करेंगे कि आगे का क्रूड का क्या ट्रेंड रहने वाला है आगे के ट्रेडिंग सेशन में और क्या बिहेव करेगा। आप ये देख रहे हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है नीचे के बॉटम से। $42 के बॉटम प्राइस था 21 जून को, $42-$43 के आसपास, $42 के आसपास का बॉटम बना था 21 जून को। वहाँ से हमने इस बॉटम को और इस दूसरे बॉटम को मिला के एक ट्रेंड लाइन खींचा, जो कि ये ट्रेंड लाइन निकल करके आया है और ये है रेजिस्टेंस, जो ये डॉलर रेट पे है। आप इसको इक्विटी कैश पे जाएंगे, हमारे इंडियन MCX के प्राइस पे जाएंगे तो ये प्राइस निकल के आता है 3070 का, और नीचे का जो प्राइस है ये 2740 का, 2730 का ये प्राइस है। तो हम WTI क्रूड में ही हम एनालिसिस करके आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या ट्रेंड होने वाला है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको ये दिखा रहा है कि इस ट्रेंड लाइन, ये जो गिरावट हुई है कल परसों में, फ्राइडे और थर्सडे के सेशन में, उसका जो सपोर्ट है $45 पे सपोर्ट है। $45 मैक्सिमम डाउनसाइड, इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को। तो यहाँ पे सपोर्ट है और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा ये अगले कुछ दिनों तक। क्यों करेगा? दूसरा चीज़, RSI के लेवल पे भी 50 पे सपोर्ट है, 50 से बाउंस बैक करना चाहिए इसको। 50 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मैक्सिमम 40 पे तो 100% सपोर्ट इसको मिलना चाहिए और प्राइस $45 के आसपास मैक्सिमम बॉटम होगा इस महीने का मे बी। और इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ये सपोर्ट निकल गया और रेजिस्टेंस हमारा 3070 का मिलना चाहिए अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। और ये ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट जा कर के ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये डेट आपको नीचे दिख रहा है, डेट जो है 16 अगस्त और उसके आगे 21 अगस्त तक ये इस रेंज से निकलेगा। मतलब 3070-3100 के रेंज से ऊपरी लेवल पे ये ब्रेकआउट देने की तैयारी करेगा। और जिसका टारगेट मिनिमम, ये इस चार्ट पैटर्न को हम बोलते हैं सेमेंटिकल ट्रेंगल पैटर्न। सेमेंटिकल ट्रेंगल मतलब एक असेंडिंग ट्रेंगल इसे बोलेंगे, असेंडिंग ट्रेंगल ब्रेकआउट। ये बुलिश ट्रेंगल पैटर्न है जिसका टारगेट मिनिमम इसके पोल के बराबर होगा। पोल क्या बोलते हैं? ये बॉटम प्राइस और ये हाई प्राइस का जो रेंज है इसको बोलते हैं एक पोल। पोल कैसे ड्रॉ करेंगे हम चार्ट पे? ये हमारा बॉटम और ये रहा टॉप, तो ये हमारा प्राइस रेंज निकल गया $42-$47। $5 का टारगेट ये हमें, ये बॉटम इस सेमेंट्रिकल असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जो अब भी आएगा और ये डेट वाइज ये कंसोलिडेट करेगा इस महीने, और इस महीने की एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट मंथ सितंबर के एक्सपायरी में आपको इसका ब्रेकआउट देखते हुए मिलेगा। और इसका टारगेट मिनिमम $5 होगा, क्योंकि इस प्राइस 42 और 47 का मिनिमम रेंज जो है, प्राइस रेंज है $5। तो $5 आप 47.5 पे जोड़ दो, मतलब $52-$53 जाने का टारगेट है सितंबर और अक्टूबर के मंथ तक। तो ये रहा हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट पे स्टडी और एनालिसिस फॉर द
वन मंथ टू टू मंथ पीरियड ऑफ टारगेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।